सबक। तेनालीराम अपने घर में चूहों के उत्पात से बड़ा दुखी था। उसकी पत्नी की सुंदर साड़ी को चूहों ने कुतर डाला। उसने क्रोध में आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई हाथ न आया। तब उसने अपने एक मित्र से सलाह ली तो उसने उसे बिल्ली पालने को कहा। तेनालीराम कहीं से ढूंढ कर एक बिल्ली ले आया। बिल्ली पालने का परिणाम सही निकला। कुछ ही दिनों में चूहे कम हो गए। अचानक एक दिन उसकी बिल्ली ने पड़ोसी के तोते को पकड़कर मार डाला। घर की मालकिन ने अपने पति से शिकायत की तो उसने तेनालीराम की बिल्ली का पीछा करके उसे पकड़ लिया। वह उसे मारने को ही था कि तेनालीराम पहुंच गया। वो बोला, मैंने ये बिल्ली चूहों को छुटकारा पाने के लिए पाली है। इसे क्षमा कर बिल्ली मुझे वापस कर दीजिए, आपका मुझ पर एहसान होगा। वो नहीं मारा और बोला, चूहे पकड़ने के लिए बिल्ली की क्या आवश्यकता है, मैं तो बिना बिल्ली के चूहे पकड़ सकता हूं। कहकर उसने बिल्ली को मार दिया। तेनालीराम चुपचाप वापस चला गया। कुछ दिनों बाद किसी ने पड़ोसी को सुंदर संदूक उपहार में दिया। उसने अपने सोने के कमरे में जाकर उसे खोला, जिसमें उसकी पत्नी की कीमती साड़ियां रखी थी। संदूक खुलते ही उसमें से ढेर सारे चूहे निकल इधर उधर भागे। उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपने नौकरों से कहा। वे इधर उधर दौड़े, इससे उसका बहुत सारा नुकसान हो गया। कई तो चीजें टूट गई, कई खराब हो गई। थक हार कर वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि ये संदूक आखिर भेजा किसने। सहसा उसकी नजर एक पर्ची पर पड़ी जिसमें लिखा था, आपने कहा था कि आप बिना बिल्ली के ही चूहों पर काबू पा सकते हैं। मैं परीक्षा के लिए कुछ चूहे आपके पास भेज रहा हूं, कृपया परिणाम मुझे जरूर बताइएगा। आपका आज्ञाकारी सेवक तेनालीराम।